नमस्ते साथियों, पहले गांव में कोरोना वैक्सीन को लेकर तमाम तरह की भ्रांतियां एवं गलत गलत अफवाहें फैली हुई थी, जिस अफवाहों के डर से समुदाय वैक्सीनेशन में भाग नहीं ले रहा था। आइए साथियों, जानते हैं समुदाय से ही कि पहले किस तरह की भ्रांतियां फैली हुई थी और कैसे दूर हुई। मैडम, हम लोग के गाँव में वैक्सीन लगवाने के लिए कोई तैयार नहीं था। सब लोग बोलता था वैक्सीन लगवा लेंगे तो बीमारी फैलेगा और क्या क्या रोग, बच्चे सब अजीब अजीब तरह का जैसे दिक्कत हो जाता है बीमारियां, और डर के मारे कि कोई लगाएगा तो साल दो साल में मर जाएगा, इसीलिए कोई जल्दी लगवाता नहीं था। यही सब अफवाह था कि पीरियड नहीं आएगा, बच्चा पैदा होने में दिक्कत होगा और एक किडनी गुर्दा सब निकाल जा रहा है। यही सब मतलब अफवाह आया था, तो मतलब एक गाँव वाले लोग डर के वाले वजह से सब वैक्सीन नहीं लगा रहे थे। पहले तो गांव में यही अफवाह रही कि कोरोना का सुई मत लगवावा, देखा फलाना जगह आदमी लगवाए तो मर गई लेन, वहाँ लगवाई लेन तो उनका दुर्घटना हो गल, ये सब मत लगवाओ, ये सब मोदी ऐसे करवाओ थे वैसे करवाओ थे, अच्छा ना करवाओ थे, लोग डर के मारे सुई ना लगवात रहल। अका बोलला कि जेकर पेट में बच्चा होके भी सुई ना लगत रहल, जेकर छोटा बच्चा होके ना लगत रहल, जेकर तबियत खराब होके ना लगवात रहल लोग, यही सब डर के मारे कोई सुई ना लगवात रहल। इस अफवाहों को दूर करने के लिए मैं जो हूँ वीडियो वॉलंटियर्स और क्विंट के माध्यम से एक अभियान चलाई, जान जाओ जान बचाओ। और इस अभियान से जुड़कर क्विंट और वीडियो वॉलंटियर की मदद से दो ब्लॉकों के 10 गांव में लगातार समुदाय के साथ बैठक किया गया और दो दिनों तक रैली के माध्यम से ऑडियो वीडियो बैनर पंपलेट और मैसेजेस के द्वारा लोगों को जागरूक किया गया। तब जाकर समुदाय वैक्सीनेशन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और 10 गांव के लगभग 5000 लोगों ने वैक्सीनेशन कराया। आप आई गांव में तो आपने वैक्सीन के बारे में हम लोग को बताया कि ये सब अफवाहें हैं, ये सब खाली कहने को है, कुछ इससे होगा नहीं, आप लोग लगवाइए। उसके बाद जब आप हमारे गांव में रैली की और हम लोग को इसके विषय में बताई, तब हम लोग वैक्सीन लगवाने को तैयार हुए और आपके जरिए हम लोग 600 आदमी लोग तुरंत जाके वैक्सीन लगवा लिए और तब जाके हम लोग के गांव में सबको वैक्सीन लगा। अफवाह यही सब चलत रही कि काबुलला कोरोना का सुई मत लगवावा, कोई के पेट में बच्चा है तो फिर नुकसान करी, कोई का तबीयत खराब है तो कोनो दुर्घटना हो जाए, यही सब ले के सब लोग ना लगवा था डर के मारे। फिर जब मैडम हमारे गांव में अलिन, फिर ये सब बात बतैलिन, फिर जो ना कि सब लोग रैली निकल लिन पूरी गाँव को, मेरारू लड़की सब लोग जाए लगल काबुलला कि तब जाके पर्ची वर्ची बटलिन, वो पर्ची वर्ची के आधार से लड़कन सब पढ़ ओढ़ के बतावे लगलन कि मम्मी अच्छा बात है, मैडम अच्छा है, हम लोग के अच्छा हमारे लोग के बारे में सोचा थे, तो का बोलला हम लोग का अच्छा हुई। तब हम लोग वो करे तीसरे दिन सुई लगल सब लोग के, सब लोग बहुत खुश हो गए कि मैडम बहुत अच्छा है। वैक्सीन मतलब इसलिए हम लोग लगवाए कि जब आप बोले कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सरकार की ये सब जो योजनाएं हैं वो सब आती जाती रहेंगी, आप जो वैक्सीन नहीं लगवाओगे तो मतलब आगे चलकर तुम्हें और दिक्कत होगी, परेशानी होगी। आप हम लोग के गांव में आए, आपने वैक्सीन लगवाई, हम लोग से बोले कि वैक्सीन लगवाओ तो हम लोग वैक्सीन लगवाएं, और हम लोग के लिए आप बहुत कुछ की हैं, प्रचार की हैं, मीटिंग की हैं, तब हम लोग जाकर थोड़ा कुछ अपने अंदर सुधार लाए हैं। जैसे ही आज आप प्रचार की, कल वैक्सीन लगना शुरू हो गया, तो हम लोग डरे नहीं, हिचकिचाए नहीं, हम लोग तुरंत जाकर वैक्सीन लगवाएं। मैडम, आपके संस्था के जरिए आपके चलते पहले तो इक्के दुक्के लोग लगाए थे, लेकिन जब आप गांव में आई और ये मोबाइल पर मैसेज भेजी और रैली वैली निकाली, उसके बाद करीब करीब हमारे गाँव के सभी लोग लगवा चुके, भले लंबी लाइन में खड़े हों चाहे जैसे लगा, लेकिन सबको वैक्सीन लग गया। इसके लिए आपकी संस्था को और आपको धन्यवाद कहते हैं। मैं वीडियो देखने वाले आप सभी दर्शकों से गुजारिश करती हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। मैं शबनम, जनपद वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, इंडिया, अनहट के लिए।